सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक चूज करने की क्राइटेरिया या प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वो जो लाइक का बटन है प्लीज उस लाइक के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक चूज करने से पहले आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि उस हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक का ऑनर कौन है, क्या वो बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर है। यहां दो चीजें हैं, दोनों ही क्लिनिक अच्छे हो सकते हैं, दोनों ही। यहां पे मैं पार्शियलिटी किसी के लिए नहीं करूंगा या किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, बट मैं जो प्रैक्टिकल चीजें वो बात करूंगा। अगर किसी बिजनेसमैन के द्वारा अगर कोई बिजनेसमैन अगर ओनर है किसी हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक का तो उसका एक ही मकसद होता है पैसा कमाना। डॉक्टर का भी यही मकसद होता है पैसा कमाना। अगर कोई डॉक्टर ओनर है तो वो भी यही चाहता है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया, वो भी पैसा कमाने के लिए ही बैठा हुआ है। बट वो जो डॉक्टर है ना, उसने अपनी जिंदगी के कीमती समय जो है ना पढ़ाई करके ये करके और सब कुछ, उसका ब्रेड बटर चीज सब कुछ जो है ना वो क्लिनिक ही है, वो उसकी रोजी रोटी है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन जो है उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया है पैसा, डॉक्टर्स को सैलरी में लगाया हुआ है, टेक्नीशियन सैलरी में लगाया है और एक पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है और वहां से वो प्रॉफिट निकलवा रहा है। ये गलत नहीं है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, जैसे मैं अपनी बताऊं, मुझे एक कॉमन इंसान से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो गया है अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, तो अगर मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलूं, नोट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, नहीं तो आप लोग कमेंट करना शुरू कर दो कि भाई क्लिनिक खोलने वाला है। मैं अगर अपना खुद का क्लिनिक खोलूं तो मुझे पता है कि किस तरीके से मैनेज करना है हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक को, कौन सा डॉक्टर मुझे चूज करना है, डॉक्टर का स्किल है कि नहीं ये जज करना, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल अब आने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर वो जो बिजनेसमैन है वो सचमुच स्मार्ट है और वो सचमुच मार्केट में रहना चाहता है तो वो एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को चला सकता है, बट अच्छा अच्छी रिजल्ट भी दे सकता है। बट कोई भी बिजनेसमैन अगर ओनर है किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में तो उसके यहाँ डॉक्टर्स जो है लंबे समय तक नहीं टिकते, बशर्ते अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप कर ले तो। अदरवाइज अगर कोई सिर्फ एम्प्लॉय है कोई डॉक्टर तो ज़्यादा लंबे समय तक वो डॉक्टर्स नहीं टिकते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि कोई भी डॉक्टर, मैं अगर डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी सर्जरी कर रहा हूँ, तो कुछ ही कारण हो सकते हैं कि मैं किसी और के यहाँ काम करने जाऊँ सैलरी पे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपको कुछ खास लागत नहीं लगता है। ऑफ कोर्स आपके एक पूरा स्टाफ बनाने में, पूरा तामझाम में पैसा जरूर लगता है, तो बट कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके स्किल का पैसा रहता है आपका। ठीक है, और मे बी जो डॉक्टर उनके पास सैलरी में जा रहा है, मे बी उसके पास इतना पैसा नहीं है अपना खुद का डालने के लिए, मे बी वो उसके उसके पास उतनी अच्छी स्किल नहीं है, इसलिए वो अपने हाथ को जो है रमा करने के लिए या अपने प्रैक्टिस के लिए वो जा रहा है दूसरे उस बिजनेसमैन वाले क्लिनिक में काम करने के लिए। और जिस दिन उसको लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और उसके पास पैसा आ जाएगा, वो क्लिनिक छोड़ के वो अपना खुद का डाल लेगा, क्योंकि कोई किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता, कोई किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करता है। नौकरी जॉब हम सभी को पता है, किसी का हुक्म लेना ये हम किसी को भी, हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है सर्जरी कर रहा है तो वो कभी भी किसी बिजनेसमैन के अंडर में सर्जरीज नहीं करेगा, वो अपना खुद का डाल लेगा अगर उसके पास पूरे अनुकूलित वातावरण है, उसका माहौल बना तो। और दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर ऑपरेटेड हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक है जो डॉक्टर ओनर है, तो जैसे मैंने आपको बताया उसका पूरा जिंदगी का सब कुछ जो है ना उस क्लिनिक में लगा हुआ है, तो वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा ऑथेंटिक वो क्लिनिक होता है जिसका ओनर जो है ना वो डॉक्टर हो। ऑफकोर्स एक्सेप्शनल अपवाद तो हर फील्ड में ही होता है। एक बहुत ही प्रचलित डॉक्टर है हमारे इंडिया में जिन्होंने अपने इंडिया में हर कोने में जो है अपने ब्रांचेस खोल के रखे हुए हैं, उनके नाम से आप उस ब्रांच में जाएंगे देखेंगे बस उसकी फोटो लगी हुई है बड़ी बड़ी मेडल ये शील्ड पकड़े हुए, बट वो कभी भी नहीं मिलेंगे। एक जमूरे को अपने बिठाया हुआ है जो कि सप्लीमेंट्स बेच रहा है बालों के लिए, पता नहीं उनको अपने क्लिनिक की अवस्था के बारे में पता है कि नहीं पता, लेकिन उनका ब्रांड बहुत ही खराब हो चुका है, और जबकि वो क्लिनिक जो है वो डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ओनर जो है वो डॉक्टर है। तो एक्सेप्शन तो हर फील्ड में होता है। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अगर दोनों में से किसी एक क्लिनिक को चूज कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन ऑपरेटेड क्लिनिक या फिर एक डॉक्टर ऑपरेटेड क्लिनिक, दोनों में विजिट कीजिए। ऑथेंटिक ज्यादा है, डॉक्टर ऑपरेटेड क्लिनिक ज्यादा ऑथेंटिक होगा, बट दोनों ही क्लिनिक में एक बार आप विजिट कीजिए और जो भी आपकी सर्जरी करने वाला है ना उसका एक्सपीरियंस पर्सनली चेक कीजिए, मेरा तो यही मानना है।
ठीक है, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो जिस इंसान ने उस पर्टिकुलर डॉक्टर से सर्जरीज करवाई हैं उसके नंबर्स लीजिए और उनसे बात कीजिए। कई सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, फेक पिक्चर्स भी आपको दिखा देते हैं। आप अगर व्हाट्सएप पे मांगेंगे कि भाई आपके यहाँ के बिफोर एंड आफ्टर के पिक्स दिखा दीजिए, तो वो आपको जो है फेक पिक्चर्स दिखा देते हैं। कई बार क्या करते हैं, वो अपना ही बैनर लगवाते हैं, बैनर के ऊपर जो है ना क्रॉप करके सर्जरी के पिक्स ऐसे चिपका देते हैं ताकि ऐसा लगे कि उन्हीं की यहाँ की पिक्स हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं अभी देख रहा था यूट्यूब में भी कई लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि बैनर लगा कर पीछे जो है एक सर्जरी की पिक को जो है क्रॉप करके चिपकाया हुआ है ताकि ऐसा लगे कि उन्हीं क्लिनिक की पिक्स हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि आप जो जिस डॉक्टर के यहाँ सर्जरी करा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ऑपरेटेड हो, चाहे डॉक्टर ऑपरेटेड क्लिनिक हो, बिजनेसमैन ऑपरेटेड क्लिनिक हो या फिर डॉक्टर ऑपरेटेड क्लिनिक हो, उनके यहाँ का जो डॉक्टर आपको करने वाला है सर्जरी, उनका आप एक्सपीरियंस चेक कीजिए। उनके द्वारा जो सर्जरी करवा चुके हैं और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं उनके नंबर्स लीजिए और उनसे बात कीजिए, उनका रिस्पॉन्स लीजिए, तभी जाके आप किसी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी क्लिनिक में जाइए। व्हाट्सएप वगैरह पे, फोन पे आप अगर पिक्स मंगा लेते हैं उस क्लिनिक से तो आपको हो सकता है वो फेक पिक्स भी दें, तो आपको ये सारी चीज़ों से बचना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो शेयर का बटन यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहाँ भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा।